हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल साइड। आज मंडे है, बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही बहुत बड़े बड़े कैंडल बना रहा था, जिसके कारण से ऑप्शन सेलर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, तो मैं अभी ट्रेड बुक शो करूंगा, कुछ ट्रेड्स लिए थे, कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, वो मार्केट अभी कैसे ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा हेक्टिक बन रहा है। एज एन ऑप्शन बाय यू जस्ट हैव टू टेक द ट्रेड, और एज एन स्कैल्पिंग ही वर्क करना पड़ेगा एज एन, मतलब अगर ऑप्शन बायर हो। बट एज एन ऑप्शन सेलर बड़े मोमेंटम के लिए हम लोग बैठते हैं और एस एल भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अभी हम चलते स्क्रीन पर, ट्रेड बुक शो करता हूँ और कहाँ पर फंसा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। सो होप्स यू गाइस देख सकते हैं, अभी मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, आज तारीख है 8। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट पहले नीचे गया, फिर जस्ट ऊपर के यहाँ पे एक ट्रेड बना था, दैट टू के ऑप्शन बाइंग के लिए, सॉरी ऑप्शन बाइंग के लिए मतलब पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुट सेल किए थे जो कि थोड़ा ऊपर गया, फिर जब ये मार्केट ने एक ग्रेव स्टोन डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना दी ना यहाँ पे, ये वाली, तो उसके का बाद डायरेक्ट इतनी बड़ी कैंडल बना जिसमें एक सिस्टम में जो ऐसा लगाते वो हिट हो गया। ठीक, अभी मैं ट्रेड बुक ऑर्डर बुक आपको शो करूंगा, ठीक है, कहाँ पे कैसे हमने ट्रेड लिया था। उसके बाद जस्ट इसके बाद देखेंगे एक डाउन साइड के लिए, यहाँ पे भी मैंने सोचा क्योंकि 52,500 का लेवल ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था, तो लगा था अब यहाँ पे जो सपोर्ट बना के रखे वो लोग एग्जिट करना चालू करेंगे, बट कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल में अगेन ट्रैप कर दिया, पूरी इतनी बड़ी कैंडल बना दी कि सिस्टम में जो नेक्स्ट एसएल लगा था टू के कॉल सेल करने साइड, वहां पे भी मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं फिर ऊपर चला गया, फिर एक और मोमेंटम बना था बट मैंने फिर ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए एक और ट्रेड लिया था जो कि थोड़ा ठीक ठाक चला। एज एन ऑप्शन सेलर मैं सिस्टम में एसएल लगा के रखता हूँ 100 पॉइंट का, तो क्या होता है ये जो स्पाइक लगते ना इसमें, ये 100 पॉइंट का भी एसएल हिट हो रहा है। ये ऐसा कुछ टाइम से हो रहा है क्योंकि पता नहीं जो भी रीज़न हो, मैं भी बजट के बाद सब ठीक होगा, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ये जो स्पाइक लगते हैं इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एज एन ऑप्शन सेलर मार्केट साइडवेज रहे है ना, या फिर हमारे डायरेक्शन में चले जाए तो भी हम प्रॉफिटेबल हैं, और या फिर अगर थोड़ा अगेंस्ट में भी जाता है तो OTM सेल करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमको बड़े लॉसेज नहीं होते हैं। ठीक है, द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं 60% एज रहता ही है। सो बट स्टिल ये जो स्पाइक है ये स्कैल्पर या ऑप्शन बायर्स के लिए ही है, जन ऑप्शन सेलर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। चलिए मैं अभी आपको ऑर्डर बुक शो करता हूँ। होप्स यू गाइस देख सकते हैं, आज मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले एक मॉर्निंग में प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग के लिए पहला एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो कि मैंने 9:30 पे किया था, 52,700 का पुट, 15 क्वांटिटी और 340 पे इसको मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद इसको मैंने जो एग्जिट मतलब मैंने इसका इसमें ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था 378 का। ठीक है, अभी ये कैसे हुआ देखो, जब मैंने इसको 340 पे लिया तो मेरा 50-60 पॉइंट का एसएल था और 120 मुझको टारगेट चाहिए था। ठीक है, 60 का मैंने एसएल रखा था और 120 मुझको चाहिए था। तो मार्केट ये क्या हुआ, ये जो 340 पे मैंने लिया था ना, ये प्रॉपर गया 290 तक। ठीक है, 290 पे जाने के बाद ये पूरा रिवर्सल किया, तो रिवर्सल इन द सेंस कि मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल भी हिट किया था जो कि मेरा 400 या 410 समथिंग का था, 400 रुपये का था। ठीक है, तो वो मैंने उसको ट्रेल किया 20-30 पॉइंट। उसके बाद ये मार्केट मतलब समझ लो 290 से मार्केट ने 380 का एसएल हिट किया, अराउंड ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 80-90 पॉइंट का एसएल समथिंग हिट कर दिया। इसके बाद हम मतलब कोई भी ऑप्शन सेलर है वो इतनी देर नहीं वो वेट करेगा कि यार इतना बड़ा कैसे मार्केट एसएल हिट कर सकता है। ठीक है, अराउंड 290 से ये 390 मान लेते हैं हम, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। सो फिलहाल मार्केट ऐसे ही ट्रैप कर रहा है स्पेशली ऑप्शन सेलर्स को, तो ट्रेड सही जगह पे लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही जगह फाइंड आउट करना भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली विक्स भी थोड़ा सा फेवर में है, विक्स फेवर में, बट एज एन ऐसे स्पाइक लगेंगे ये सिर्फ एल्को के कारण हो रहे तो थोड़ा सा इशू होता है, बट देखते कैसे आने वाले टाइम में मार्केट ये कर सकता है। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इफ यू आर एग्री कि ये स्पाइक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।